श्रीनगर तो बदनाम है ही है दंगे फसाद के लिए, तो इधर काफ़ी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, और स्वागत करता हूँ फिर से आप लोग का एक नए ब्लॉग में। तो अभी हमारा करेंट लोकेशन है, हम हैं अभी श्रीनगर में, और पिछले दो दिनों से श्रीनगर में रुके हुए थे। तो श्रीनगर में हम लोग डाल लेक के पास में ही एक हम लोग को गेस्ट हाउस मिला हुआ था, जो कि एक साइकिलिस्ट की तरफ से हम लोग को ये प्रोवाइड हुआ था। तो अभी हम लोग ना डाल लेक के पास में, तो बाजू में जस्ट डाल लेक है। और यहाँ पे श्रीनगर में एक ख़ास बात है, श्रीनगर क्या है ना कि हाउस बोट और झीलों की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो फेमस है, और यह तकरीबन 1700 मीटर की ऊंचाई पे बसा हुआ है। तो अभी मॉर्निंग में जब भी आप मॉर्निंग में वॉकिंग करने के लिए निकलेंगे ना, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बोट देखने को मिलेगा, और लोग यहाँ पे अक्सर विंटर में आना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि सिटी में भी स्नोफॉल देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। और यहाँ पे मतलब बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, हिंदी, उर्दू, गोजरी, अंग्रेज़ी, मतलब तरह तरह की भाषाएं बोली जाती है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग निकल रहे हैं यूसमर्ग के लिए, जो कि यूसमर्ग यहाँ से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और अभी हम निकलते हैं यूसमर्ग के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हम रुके हुए थे इस गेस्ट हाउस में, और अभी हमारा साइकिल सेट हो चुका है, हमारा और रिगल का। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं यूसमर्ग के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम लोग हैं श्रीनगर शहर को क्रॉस करके जा रहे हैं यूसमर्ग के लिए, और ये रहा श्रीनगर सिटी। काफ़ी अच्छी सिटी है, जो पहले के जो घर हैं, स्ट्रक्चर्स हैं घरों के, काफ़ी ब्यूटीफुल थे। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं नाश्ते के लिए, और नाश्ते में हम लोग को आज मिला है छोला और समोसा, क्योंकि अदरवाइज और कुछ नहीं मिला था। तो यहाँ पे हम लोग रुक के छोला और समोसा खाते हैं। तो इधर आपको हर नौकड़ पे सिक्योरिटी मिलेगी, CRPF, BSF, आर्मी, चाहे जो लोग भी हो। क्योंकि अभी क्या है ना कि अभी रिसेंटली थोड़ा G20 सम्मेलन का कॉन्फ्रेंस चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इधर चेकिंग हो रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी श्रीनगर तो बदनाम है ही है दंगे फसाद के लिए, तो इधर काफ़ी ज़्यादा। बट अभी के लिए फ़िलहाल हम लोग निकलते हैं इधर। तो ये रहा श्रीनगर का सिटी ट्रैफिक। सो फैमिली गाइस, यहाँ से जस्ट 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यूसमर्ग है, और यहाँ पे चारों तरफ चेक पोस्ट में SSB और BSF है। तो अभी तो पूरा स्लो डाउन मिला है, लेकिन आगे का रास्ता यहाँ के लोकल पब्लिक जो बता रही है, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई मिलेगा, पर देखते हैं। और अब क्या है ना कि थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे थोड़ी दूरी पे दुकान वगैरह या कोई भी छोटा सा गाँव मिल रहा है, तो थोड़ा इशू हो रहा है। तो हम लोग को प्यास लगी थी, तो अभी इस पेट्रोल पंप पे रुके हुए थे, और पेट्रोल पंप के बाहर का ये रहा कुछ खूबसूरत से नज़ारे, आप देख सकते हो। तो अभी हम लोग एक्चुअली क्या ना कि अब थोड़ी चढ़ाई मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है चढ़ने में, और इस वादियों में तो चढ़ने का एक अलग ही मज़ा है। तो अभी हमें यूसमर्ग से समथिंग 15 किलोमीटर डिस्टेंस पहले, और इधर का ये रहा एरिया, और अब जाके थोड़ा बहुत हम लोग को स्लोप डाउन मिला है। तो गाइज, अभी हम लोग यूसमर्ग की तरफ जा रहे थे, लेकिन मुश्किल से 12-15 किलोमीटर के डिस्टेंस से पहले काफ़ी चढ़ाई मिल चुका था, और काफ़ी थकान भी हो गई थी। तो इन खूबसूरत वादियों के साथ यहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं, होम स्टे। तो यहाँ पे
इन घर के मतलब दो बच्चे थे, वो बोले कि आप मेरे घर पे स्टे कर सकते हो। तो मैंने बोला कि आप पहले अपने पेरेंट्स से पूछ के आओ ऐसे वैसे। तो उनके पेरेंट्स ने भी अलाउ कर दिया कि हाँ आप लोग रह सकते हैं मेरे घर पे। तो अभी हम लोग फ़िलहाल यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। इतनी चढ़ाई मिल जा रहा है ना कि सांस फूलने लग रहा है। लेकिन हाँ, आज की हमारी नाइट यहाँ पे रहती है। हम आप लोग को दिखाते हैं। हमने ऑलरेडी अपनी साइकिल नीचे उतार दी है और लोग अपना नीचे उतार रहे हैं। और ये रहा बाबू जिन्होंने हम लोग को अपने घर पे इनवाइट किए हैं। तो थैंक यू बाबू आपका। तो यहाँ पे हम लोग अपना कैंपिंग करने लगते हैं और यहाँ पे हम लोग अपना टेंट लगाते हैं तीनों लोग अपना अपना। तो फिर टेंट लगाने के बाद ये होता है कि बनाया खाया जाए, लेकिन जिनके घर पे हम लोग रुके होते हैं तो वो उन्होंने बोलते हैं कि नहीं आप बनाओ खाओ मत, आप लोग को मेरी तरफ से खाना पीना रहेगा। तो इनके घर पे हम लोग यहाँ पे खाना खा लेते हैं और अगले दिन हम लोग को निकलना रहता है यूसमर्ग में। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन के ब्लॉग में यूसमर्ग में। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।